प्रिय पशुपालकों, इस वीडियो में मैंने अपने पालतू पशुओं में ड्रेसिंग कैसे करें इसकी ट्रेनिंग दी है। आपको मालूम ही है कि पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का उपद्रव बहुत ही है। उसमें पशु के पैर के खुर में जख्म होता है और उसमें कीड़े भी पड़ते हैं, तो इसका ड्रेसिंग कैसे करें। प्रथम हम खुरपका की ड्रेसिंग के बारे में सोचेंगे। इसमें पशु के दोनों खुर के बीच में जख्म होता है, उसमें गंदी जगह बैठने से कीड़े पड़ते हैं और जख्म बढ़ता जाता है। ऐसे में प्रथम हम टर्पेंटाइन ऑयल से खुर के जख्म पर कॉटन से साफ करना पड़ेगा। इससे कीड़े जख्म से बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी तो मार्केट में ऐसे बहुत ही प्रकार के स्प्रे मिलते हैं जिससे कीड़े मक्खियाँ सब कुछ जख्म में से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि डर्मेसिल स्प्रे, गैमा प्लस स्प्रे, विस्प्रे एडवांस्ड स्प्रे। फिर कीड़े निकल जाने के बाद जख्म में जिंक ऑक्साइड उस पर लगाकर कॉटन रखकर बैंडेज कर देना चाहिए और इंजेक्शन डीसी एक वायल इंट्रामस्क्यूलर लगा देना चाहिए जिससे जख्म में जल्दी से रुझाव आ सके। अब हम मुंह पका यानी मुंह में छाले पड़ते हैं इसके बारे में सोचेंगे। मुंह में छाले साफ करने के लिए हमें पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का उपयोग करना चाहिए। फिर मुंह के छाले साफ होने के बाद मुंह के अंदर हमें ग्लिसरीन या बोरोग्लिसरीन लगाना चाहिए जिससे पशु को अंदर जीभ और मसूड़ों में राहत रहती है। इसमें हमें एक इंजेक्शन नोवाल्जिन 20 ml का लगाना पड़ता है जिससे पशु को दर्द कम होता है। इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स विथ सी 10 ml लगाने से जल्दी रुझान आती है। इसके बावजूद पशु को अन्य जगह पर भी जख्म होती है। शरीर के अन्य भागों पर जख्म होने पर लोरेक्जेन ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर कोई स्किन डिसीज़ हो तो हिमेक्स ऑइंटमेंट 50 ग्राम नेचुरल रेमेडीज़ का और चारमिल प्लस आयुर्वेदिक मल्टी एक्शन स्किन जेल अच्छा रहेगा। कई बार स्किन डिसीजेस में फंगल इन्फेक्शन भी होता है, तो हमें इस चमड़ी का थोड़ा भाग निकाल कर यानी छोल कर लेबोरेटरी में भेज सकते हैं जिससे योग्य दवा करा सके। कई बार अपना पशु दौड़ते समय या अन्य कारणों से फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो उसे पैर का फ्रैक्चर और चमड़ी पर लंबा घाव यानी जख्म भी हो जाता है, तो ऐसे वक्त हमें उसके पैर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगाना पड़ता है। इस वक्त हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पशु के जख्म पर हमें ड्रेसिंग भी करना है, तो इसके लिए थोड़ी जगह भी रखनी पड़ेगी। पूरे पाँव को प्लास्टर नहीं करना चाहिए। मित्रों, बहुत बार जख्म लंबा होता है तो हमें वहाँ सूचर भी लेना पड़ता है, टाँके भी लगाने पड़ते हैं। अगर पशु के आँख के आजू बाजू जख्म हो तो ऑइंटमेंट आँख में न जाए, इसलिए हमें अच्छा है कि आई ऑइंटमेंट का ही उपयोग करें। फ्रेंड्स, कई बार पशुओं को बराबर जॉइंट्स यानी घुटन के जॉइंट्स पर ही जख्म होता है, तो मित्रों यह जख्म में रुझान जल्दी नहीं आती, बहुत समय लगता है क्योंकि जॉइंट्स यानी सांधे में हमेशा हलन चलन होता है, इससे रुझान जल्दी नहीं आता। इसमें उपाय के अनुसार कई लोग जॉइंट्स के ऊपर लंबी लकड़ी यानी प्लेट्स बांधकर रखते हैं जिससे हलन चलन कम हो, लेकिन इससे पशु को चलने में बहुत तकलीफ होती है, वह ठीक से चल नहीं पाता। मित्रों, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पशुओं के घाव रुझ भी जाते हैं लेकिन इन्फेक्शन लगने से उस पर सूजन आती है और अंदर मवाद यानी पस भर जाता है, जैसे कि छोटे बछिया को अम्बेलिकल उंड एब्सेस होता है। तो हमें इसके क्या करना चाहिए, हम ऐसे एब्सेस को निडल से अंदर का पूरा मस यानी मवाद निकाल कर उसे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से साफ करने से ड्रेसिंग कर सकते हैं। कई बार बड़ा एब्सेस पेट के भाग पर हुआ हो तो पूरा पस यानी मवाद निकाल कर हमें अंदर टिंक्चर आयोडीन या कॉटन का बैंडेज का गौज अंदर डाल रखना चाहिए। मित्रों, इन सब ड्रेसिंग के प्रक्रिया के दरमियान हमें
टिंचर आयोडीन, फिनाइल, टिंचर बेंजोइन, टर्पेंटाइन, स्पिरिट और एंटीसेप्टिक ट्यूब्स और एंटीसेप्टिक पाउडर का योग्य उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें जल्द से जल्द रिजल्ट मिल सके। ड्रेसिंग के दिनों के दरमियान हमारे पशुओं को बाहर घूमने न जाने दें या कोई तालाब में नहाने न ले जाए, यह सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी के बाद मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बाजू वाला छोटी घंटी वाला बटन भी दबाए। तो थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।